लोनार झील महाराष्ट्र काबरताल वेटलैंड बेगूसराय ए एंड बी और ए बी सी इसका राइट आंसर है ए एंड बी सूर सरोवर आगरा और लोनार झील महाराष्ट्र इन दोनों को रामसर साइट से जोड़ा गया है सूर सरोवर आगरा और लोनार झील इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल रामसर साइट हो गई है दो हजार चार सौ चालीस और भारत की हो गई हैं इकतालीस और ये दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक हैं सूर सरोवर चालीसवीं और लोनार झील इकतालीसवीं रामसर साइट थी इससे पहले आसन संरक्षण रिजर्व जो कि देहरादून उत्तराखंड में और काबरताल वेटलैंड बेगूसराय इन दोनों को जोड़ा गया था इन इसकी घोषणा प्रकाश जावड़ेकर ने की जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं आगरा मीन्स यूपी यूपी की राजधानी लखनऊ जिले पिचहत्तर हैं सीएम है योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल राज्यसभा की इकतीस सीटें और लोकसभा की अस्सी सीटें हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सीएम उद्धव ठाकरे जिले हैं छत्तीस गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा की उन्नीस सीटें और लोकसभा की अड़तालीस सीटें हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बचपन से निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है ऑप्शंस सांस, उड़ान स्वच्छ सागर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है सास केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बचपन से निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सास पहल शुरू की है हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह चांदनी चौक इनकी कॉन्स्टिट्युएसी है और राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में कितने एशिया प्र, प्रशांत राष्ट्रों ने वियतनाम द्वारा आयोजित सैंतीसवा आशियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 में विश्व की सबसे बड़ी मुक्त व्यापार समझौते आर सी ई पी पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शंस ए फिफ्टीन बी टेन सी ट्वेंटी डी ट्वेंटी टू ई ट्वेंटी फाइव इसका राइट आंसर है ए फिफ्टीन पंद्रह पंद्रह राष्ट्र पंद्रह एशिया प्रशांत राष्ट्रों ने आर सी ई पर आर सी ई पी पर साइन किए हैं इनमें इस जो आसियान सम्मेलन की सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है या बात है वो है कि भारत ने इस आर को साइन नहीं किया है क्योंकि यह एक मुक्त व्यापार समझौता है इसमें नाइन्टी टू परसेंट तक जो टैरिफ लगाए जाते हैं उन उनमें कमी की जा सकती है मतलब दूसरे राज्य दूसरे जो देश हैं वो हमारे देश में आकर सस्ते में प्रोडक्ट बेच सकते हैं और भारत ने ये साइन नहीं किया क्योंकि इसमें एक चाइना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने सस्ते होते हैं कि वो भारत में आकर जो हमारे स्थानीय उत्पादक हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं इसमें जिन जिन राष्ट्रों ने साइन किए हैं वो हैं ब्रुनेई कम्बोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम जो कि ये दक्षिणी पूर्व एशियाई देश हैं और इसके अलावा चीन जापान दक्षिणी कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश हैं वियतनाम ने की अध्यक्षता वियतनाम ने की और इसके जो महासचिव थे दा लिम जोक होई जो कि ब्रुनेई से हैं और हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने आठवीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार एस आई टी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की ऑप्शन उप, ब्राजील भारत रूस चीन दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है रूस रूस ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से हर्षवर्धन सिंह उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हर्षवर्धन सिंह हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं इसका विषय था ब्रिक्स ग्लोबल साझेदारी सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए साझेदारी ब्रिक्स में ब्राजील भारत रूस चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आते हैं 2020 की चेयरमैनशिप थी रूस के पास और 2021 की भारत करेगा हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में एस बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है ऑप्शन वीजा पे नियर बाई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है पे नियर बाई पे नियर बाई के साथ एस बी एम बैंक है वो मिलकर एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जो एस बी एम बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ है सिद्धार्थ रथ और पे नियर बाई इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ है आनंद बजाज हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में क्रेडिट लाइनों के साथ सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड कार्ड लॉन्च करने के लिए स्टेसविन ने किसके साथ भागीदारी की है ऑप्शंस इफको माइक्रोसॉफ्ट पे नियर बाय वीज़ा इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है वीज़ा क्रेडिट लाइनों के साथ से ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए फिन ने वीज़ा के साथ भागीदारी की है वीज़ा इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस और सीईओ है अल्फ्रेड एफ केली जूनियर हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में शहादत रहमान ने कॉम्बैक्ट साइबर बुलिंग के लिए अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है यह कौन से देश से संबंध रखते हैं मतलब ये कौन से देश के नागरिक हैं ऑप्शंस भारत नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश इसका राइट आंसर है बांग्लादेश शहादत रहमान बांग्लादेश के नागरिक हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है मलाला यूसुफ जई ने इनको यह अवार्ड नीदरलैंड के एक समारोह में दिया इनकी उम्र सत्रह साल है बांग्लादेश इसकी राजधानी पीएम हसीना और टका है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ऑप्शंस पोखरण राजस्थान चांदीपुर आईटीआर विक्रम सारा भाई रक्षा अनुसंधान सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है उड़ीसा चांदीपुर आईटीआर डीआरडीओ ने उड़ीसा चांदीपुर आईटीआर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके चीफ हैं जी सतीश रेड्डी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली हमारा आज का अगला क्वेश्चन विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शंस बारह नवंबर तेरह नवंबर चौदह नवंबर पंद्रह नवंबर और सोलह नवंबर इसका राइट आंसर है चौदह नवंबर चौदह नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और इसका जो विषय था दी नर्स एंड डायबिटीज चौदह नवंबर को बाल दिवस भी मनाया गया और सड़क यातायात पीड़ितों के लिए दो हजार बीस का जो दिवस मनाया गया था वो पंद्रह नवंबर को मनाया गया था और यहाँ पर जो सोलह नवंबर है यहाँ पे सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी 16 नवंबर को मनाया गया हमारा आज का अगला क्वेश्चन हाल ही में हुई एफ फन डी एच एल तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती ऑप्शन सेबेस्टियन वेटल माइकल सुमाकर लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पोरेज इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने एफ फन डी एच एल तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज जो ब्रांड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था तुर्की तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन और राजधानी अंकारा और जो ये करेंसी होती है तुर्की लीरा फ्रेंड्स अगर आपको मेरा करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू